बिल्कुल और ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, यही क्वेश्चन फुट होने एग्जाम का, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो युद्ध लड़ा गया उत्तराधिकार का जो युद्ध था, याद रखना स्टूडेंट, धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध ये उज्जैन मध्य प्रदेश के निकट लड़ा गया। ये हमें इसलिए याद होना चाहिए कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि धर्मत का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया, सीधा भी पूछा जाता है कई बार, तो याद रखें धर्मत का युद्ध मध्य प्रदेश उज्जैन के निकट लड़ा गया। किस किसके बीच लड़ा गया, बड़ा ध्यान से सुनना, ये पॉइंट चुप कर जाएगा। तो एक तरफ तो थे आपकी शाही सेना, वही शाही सेना जो कह सकते हैं शाहजहां की सेना है, या कह सकते हो दारा सिंह की सेना, दोनों ही बात कह सकते हैं। सामने उस सेना के कौन था, औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना, यानी कि मुराद और औरंगजेब दोनों मिक्स होकर लड़ रहे, यानी कि दो भाई एक साथ मिक्स होकर शाही सेना से लड़ रहे थे संयुक्त रूप से, ठीक है। अब होता क्या है, अब ये भी याद रखना, ये कब हुआ, तो बहुत बढ़िया सवाल हो सकता, 15 अप्रैल 1658 को हुआ ये। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये उज्जैन के निकट मध्य प्रदेश में हुआ, इतना याद रखना। तो इसमें क्या हुआ स्टूडेंट, इसमें क्या हुआ, इसमें संयुक्त सेना ने जो औरंगजेब और मुराद की जो संयुक्त सेना है, उन्होंने शाही सेना को हरा दिया। और यहाँ शाही सेना का हारने का अर्थ था शासक की सेना हार जाना, यानी कि ये और ये बेहतर युद्ध है, ध्यान रखना शाही सेना हारी इसमें। औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना ने किसको हरा दिया, शाही सेना को, शाही सेना यानी कि अर्थात दारा सिंह की सेना को, या कह सकते हैं शाहजहां की सेना को, क्योंकि उस समय जो शाहजहां थे वो तो बीमार चल रहे थे, तो हम दारा सिंह की भी सेना कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बात करो क्या। अच्छा, इससे क्या हुआ, औरंगजेब की पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, क्योंकि औरंगजेब ने मुराद भले मुराद के साथ लड़के, लेकिन चूंकि शाही सेना को हराया तो इसलिए उनकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। और यहाँ एक अलग फैक्ट याद रखना, चूंकि थोड़ा हटके है फैक्ट, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा सवाल है, बन जाएगा कभी। जब मैंने शाहजहां लास्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, ये सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा कि शाहजहां के शासनकाल में दक्षिण की जो भूराजस व्यवस्था थी वो किसने संभाली थी, मुर्शिद कुली खुर, ठीक है, ध्यान रखना है धर्मत के युद्ध में ही मुर्शिद कुली खुर मारा गया था। यानी कि कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुर्शिद कुली खुर किस युद्ध के दौरान मारे गए, तो याद रखना वो धर्मत के युद्ध में ही मारे गए, इतना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक अगर बात मेरे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए, दोनों युद्ध एकदम कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपके इतने आ रहे हैं ना, चाहे आप दरोगा का एग्जाम दो, चाहे कॉन्स्टेबल का दो, चाहे यूपी पैट का दो, चाहे लेखपाल का दो, कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। अगर मैं तीसरे युद्ध की बात करता हूँ, तीसरे युद्ध की बात करता हूँ, तो याद रखना शामूगढ़ का युद्ध, जो याद रखना ही रखना, मैं जिन बातों को बता रहा हूँ तो पूरा फोकस होना चाहिए इस समय, मेरी आवाज का पूरा फोकस। यदि आप चीजों को केवल सुन भी कर रहे ना सही तरीके से, तो प्रश्न सवाल सही करते जाओगे एग्जाम में, ठीक है। और जिसके किस तारीख को भी लेटेस्ट फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम भी आ रहे हैं, चल रहे हैं, तो वो भी बेहतर करेंगे, क्योंकि बहुत सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तीसरा युद्ध था शामूगढ़ का युद्ध, और सबसे पहले तो स्टूडेंट इसे याद रखो कि ये आगरा के लिए हुआ, चूंकि यूपी से रिलेटेड मामला है तो इसलिए बेहतर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा याद रखना, कई बार पूछा जाएगा कि कब हुआ, तो याद रखेंगे 29 मई 1858 को ही हुआ, सॉरी 1658 को, ठीक है, 29 मई 1658 को हुआ। कहाँ हुआ, आगरा के निकट। अब ये बात आ जाती है ये किस किस के बीच हुआ, तो ये स्वयं दारा सिंह को, ध्यान से सुनना, स्वयं दारा सिंह को और औरंगजेब के बीच हुआ, और ध्यान से सुनिए, ये दारा सिंह को और औरंगजेब के बीच हुआ। और स्टूडेंट इसमें क्या होता है, इसमें फिर से औरंगजेब दारा सिंह को हरा देता है, यानी कि इसमें भी दारा सिंह का हारने का अर्थ ये था लगभग शाही सेना का हार जाना, क्योंकि अब तो दारा सिंह को खुद नियंत्रण कर रहे थे, शाहजहां ने उत्तराधिकारी किसको घोषित किया था, दारा सिंह को, और यहाँ दारा सिंह भी हार गए, तो दारा सिंह का हार जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी यहाँ पे। और ये ऐसा युद्ध भी था कि इस युद्ध को जीतने के बाद शामूगढ़ का युद्ध को जीतने
बात और ध्यान से सुनना। फिर क्या हुआ, फिर इन औरंगजेब ने क्या किया, जो अपने पिताजी शाहजहां उनको किले में कैद कर दिया, शाहबुर्ज में कैद कर दिया। देवान नाम भी याद रखना शाहबुर्ज। अब शाहबुर्ज क्या, मैं एक और बात बता दूं, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है जहां से शाहजहां अपना शासकीय आदेश जारी करते थे, यानी कि जहां से शाहजहां अपनी अधिसूचना मतलब बातें जारी करते थे ना अपने ऑर्डर, उस जगह को क्या कहा जाता था शाहबुर्ज। तो वहीं पर कैद कर दिया किसने, औरंगजेब ने। अब चूंकि ये सवाल कभी भी हटके बन सकता है कि किस युद्ध के बाद या किस उत्तराधिकार युद्ध के बाद शाहजहां को औरंगजेब के द्वारा कैद कर दिया गया था, तो याद रखना सामूगढ़ के युद्ध के बाद उनको कैद कर दिया गया। और बहुत अच्छी तरीके से सुनना, यहाँ एक और शानदार सवाल है। चूंकि मैंने अभी बताया कि जब इन्होंने धर्मत का युद्ध लड़ा था शाही सेना से, तो मुराद की सही सेना से जुड़कर लड़ा था इन्होंने औरंगजेब, तो औरंगजेब के मन में क्या आई कि मुराद आने जाकर और दिक्कत ना पैदा कर दें, तो सामूगढ़ के युद्ध के बाद ही मुराद की भी हत्या करवा दी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आगे चल के मुराद भी परेशान करे। तो सामूगढ़ पिता को कैद किया और मुराद की हत्या कराई, दो बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। सामूगढ़ के युद्ध के बाद काम हुआ, यानी कि सामूगढ़ का जो युद्ध था उत्तराधिकार युद्ध, जो आपका 29 मई 1658 को हुआ, आगरा के निकट हुआ, इसमें क्या है कि इसमें पहला स्टेप याद रखना है कि औरंगजेब ने क्या किया, इसमें पहले तो अपने पिता को कैद किया, इसी युद्ध के बाद उनको कैद कर दिया, साथ ही साथ मुराद जो पहले इनके साथ लड़े और जिताए उनको भी इसी युद्ध के बाद उनकी हत्या करा दी। तो मुराद की भी हत्या हो चुकी थी, पिता को कैद कर दिया गया और पहली बार राज्याभिषेक इसी युद्ध के बाद हुआ जो कि आगरा में हुआ। ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा भी जाएगा कि औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक कहां हुआ, आगरा। पूछा जाएगा किस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक आगरा में हुआ, सामूगढ़ के युद्ध के बाद। तो इतनी चीजें आपको एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए, कई बार पूछा जाए, क्लियर। इसके बाद ध्यान देंगे एक हुआ था खजुआ का युद्ध, खजुआ बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। खजुआ का युद्ध ये इलाहाबाद के निकट पर यूपी से जुड़ा हुआ युद्ध है, कई बार सवाल बन सकता है एग्जाम में। खजुआ का युद्ध कहाँ पर हुआ, इलाहाबाद के निकट। किस किसके बीच हुआ अगर बात करते हैं तो याद रखना है वो जो शाह शुजा थे जो सबसे पहला बहादुरपुर का युद्ध लड़े थे, जिन्हें शाही सेना ने हरा दिया था, वो शाह शुजा दोबारा से औरंगजेब के सामने आ गए। अर्थात कह सकते हैं एग्जाम में पूछा जाएगा कि खजुआ का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ, किन किन के बीच हुआ, तो खजुआ का युद्ध जो हुआ औरंगजेब के बीच हुआ और शाह शुजा के बीच हुआ। ये आपको याद रखना ही रखना, कई बार पैनल पर ये सवाल बन सकता खजुआ का युद्ध किसके बीच हुआ, औरंगजेब और शाह शुजा के बीच हुआ। अब इसमें क्या हुआ, इसमें औरंगजेब ने शाह शुजा को हरा दिया, यानी कि बैक टू बैक हराना और औरंगजेब की पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती चली गई और भी ज्यादा, पिता को कैद पहले से कर ही रखा था, समझ रहे हैं। जब इतनी चीजें हो गई तो अब इसने सोचा औरंगजेब ने, जहां तक मेरा सोच है कि उन्होंने सोचा होगा कि भाई शाह शुजा पहले भी शाही सेना से भी लड़े, ये मुझसे भी आगे लड़े खजुआ में, खजुआ के युद्ध में, क्यों ना युद्ध को भी ऐसे ही कर दिया जाए। तो खजुआ के युद्ध के बाद ध्यान से सुनना है, औरंगजेब ने शाह शुजा की हत्या करा दी, यानी कि दो भाइयों की हत्या करा चुके थे, तीसरे को दी थी अभी तक, भाई दो भाइयों की तो हत्या करा चुके, एक की सामूगढ़ के युद्ध के बाद और एक की खजुआ के युद्ध के बाद। अब यहां तक बात हो चुकी है पूरी, तो खजुआ का युद्ध समझ में आ जाना चाहिए। बस आपसे यही क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा जो पूछा जाएगा, खजुआ का युद्ध कहाँ हुआ, इलाहाबाद के निकट या इलाहाबाद ऐसा कह सकते हैं, कब हुआ, तो इतना याद रखना। अब चूंकि ये तो अगले साल हुआ, ये हमेशा याद रखना, ये अगले साल हुआ, तो इस आप ऐसा याद रखेंगे कि ये 5 जनवरी 1659 को हुआ, यानी कि अगले साल चलेगा 5 जनवरी 1659 को हुआ, ये हमें याद रखना, ठीक है। तो औरंगजेब ने इसको आखिरी जो उत्तराधिकार युद्ध है इसको आपको याद रखना ही रखना, जिसका नाम है देवराई का युद्ध, देवराई। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि ये देवराई
देवराई का युद्ध कहा हुआ, तो याद रखेंगे देवराई का युद्ध अजमेर के निकट हुआ था पहले, तो ये याद रखना, एक बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो इसे अच्छी तरीके से याद रखना। दूसरा कब हुआ कोई बात, तो याद रखना हमेशा स्टूडेंट, ये जो खजुआ देवराई के थे उनके पास 1669 में हुए थे यानी कि अगली साल, ऐसा याद रखेंगे। तो ये जो आपका देवराई का युद्ध था ये 13 मार्च 1659 को अजमेर के निकट हुआ, याद रखना देवराय का। अब बात आ जाती है किस किस के बीच हुआ, तो ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ, क्योंकि दारा शिकोह तो उस समय हारने के बाद चले गए थे शाहूगढ़ के युद्ध के, उसमें मैंने बताया तब शाहूगढ़ का युद्ध हुआ तब हार गए थे। तो देवराय का युद्ध जो हुआ दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ, यानी कि फिर से भाई भाई के बीच हुआ, और ये वही दारा शिकोह थे जो शाहजहां के द्वारा उत्तराधिकारी घोषित किए गए, ठीक है। अब क्या है दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है। इस देवराई के युद्ध में भी क्या होता है, इस देवराई के युद्ध में औरंगजेब फिर से दारा शिकोह को हरा देते हैं, और ये इस युद्ध के बाद जो उत्तराधिकार उत्तराधिकार का जो सिस्टम है या फिर उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हो रहे थे वो समाप्त हो गए। क्यों? क्योंकि इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया, और उसको हराने के बाद दारा शिकोह को मृत्युदंड दिया। और याद रखना है दारा शिकोह का जो गला काट कर सिर धड़ से अलग कर सिर को आगरा के ताजमहल में दफनाया गया, और उसके बाकी शरीर को हुमायूं के मकबरे दिल्ली में दफनाया औरंगजेब के द्वारा। अब आप समझे होंगे कि औरंगजेब ने इस तरीके से तीनों भाइयों की हत्या की, शाहूगढ़ के युद्ध के बाद सबसे पहले मुराद, खजुआ के युद्ध के बाद सासुजा, देवराई के युद्ध के बाद दारा शिकोह, और पिता को कैद कर रखा था शाहबुर्ज में, कहां पर किले में शाहबुर्ज में, ये कई बार पूछा भी जाता है। तो इस तरीके से उत्तरा, चूंकि मैंने अभी पहले ये बात बताई है, क्योंकि पहले मैंने ये बात अभी बताई है कि मुगलों में ये प्रथा थी कि ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी होते हैं, तो इस तरीके से औरंगजेब तीसरे नंबर के थे, पहले नंबर के दारा शिकोह, दूसरे सासुजा, तीसरे औरंगजेब और चौथे मुराद। इस तरीके से उत्तराधिकार का उल्लंघन करने वाले जो मुगल बादशाह हैं वो भी औरंगजेब हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये ऐसे पॉइंट हैं जो मैंने इस क्लास के माध्यम से बताए, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ हर दूसरी परीक्षा में, हर दूसरे गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से बराबर क्वेश्चन पूछा जाना, लगातार पूछा जाता रहेगा जब तक आपका सिलेक्शन हो। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें।